पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, अपनों का सुख और सहयोग बढ़ेगा। आज ननियाल पद से शुभ समाचार मिलने का लाभ भी मिलना संभव है। ज्ञान विज्ञान में रुचि और व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी। क्या करें, आज आय और व्यय को समानता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें, अत्यधिक स्वार्थी होना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, जिससे कि घरे योगायोग है, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, कारोबारी में आ रही परेशानियों का निवारण होगा और कारोबार में धन लाभ की प्राप्ति होगी। अनावश्यक तनाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वे काम भी बनेंगे, अपनों का साथ भी मिलेगा और लेन देन के मसले भी निपटेंगे। परंतु स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। क्या करें, उदार रकम को प्राप्त करने का प्रयास करें आज के दिन। क्या ना करें, कार्य संबंधी आय प्रस्ताव को ना ठुकराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमोनम। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, सितारों की चाल थोड़ी सी प्रतिकूल है और कार्य संबंधी परेशानी आज है। आज स्थान परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी का विरोध झेलना पड़ सकता है, मानसिक तनाव भी है और दिन भर कार्य को लेकर उठापटक जबरदस्त है। आप भयभीत नहीं हो, छोटा सा उपाय ये जरूर कर लेना। नीलांजनम क्षमा भाष्टम रविपुत्रम यमा गर्जम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि। ये अद्भुत मंगलकारी शनि मंत्र है, इसका 108 बार जाप करके एक लोटा जल पीपल में चढ़ा दीजिए और तुलसी के पास में घी का दीपक जला दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। क्या करें विशेष, अपनी वार्ता और योजना को गुप्त रखें। क्या न करें, कार्यस्थल में वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मन में प्रसन्नता और धर्म कर्म में रुचि और यात्रा में सफलता मिलेगी, क्योंकि गोचर बहुत अनुकूल है। गोचर लाभ देने में समर्थ है, शास्त्रिक संपूर्ण कार्य में आपको सफलता मिलेगी और दिन अच्छा बीतेगा। विशेष क्या करें, शुभ और धार्मिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, तो कार्य संबंधी वार्ता को सार्वजनिक ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। और अब आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में, और ये अंक आपके लिए क्या कहते हैं। सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, आज धनोपार्जन, धन कमाने के सारे प्रयास आज आपके सफल होंगे। नमोनारायण। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, सफलता के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। यदि आपने धैर्य रखा, वाणी पर नियंत्रण रखा, तो अटके हुए कार्य करने में ये दोनों चीज आपके लिए सहायक रहेगी। नमोनारायण। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, साथ और उत्साह बढ़ेगा, राज मन में आशा का नया संचार होगा, जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नमोनारायण। बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, तरक्की के मार्ग में आई हुई बाधाओं का शमन होगा, सफलता आपका दामन चुमेगी और जो मन में सोचा वो आज पूरा जरूर होगा। नमोनारायण। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, सितारे ये संकेत देगा थोड़ी सी निराशा है, लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा सा उपाय, बहुत जरूरी उपाय कर देना। अर्घला स्त्रोत, एक पाठ घर में घी का दीवे अर्घला स्त्रोत का करें और कंजिक्को को अपने हाथ से भोजन जरूर कराना। नमोनारायण। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, मान और सम्मान में वृद्धि होगी, आपका यश फैलेगा, लोकप्रियता में वृद्धि होगी और वरिष्ठजनों से जान पहचान का अवसर भी मिलेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, अचानक सफलता से मन बहुत प्रसन्न होगा, आज किसी कार्य में अचानक सफलता मिलेगी और उससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, उतावलेपन के कारण आज धन हानि की प्रबल संभावना है, इसलिए जल्दबाजी पर थोड़ा सा काबू रखें, धैर्य बनाकर काम करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं मूलांक 9। मूलांक 9, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत नजर आ रहा है, नक्षत्र ये कह रहे हैं कि लाभ मिलेगा और आज पुराने मित्रों से मिलने का प्रबल योग भी है। नमोनारायण। ये था रहस्य में नक्षत्र विज्ञान में अंकों की दुनिया का राज। और बात करते हैं आज के नुस्खों। यदि आपके बाल झड़ रहे हो, खसखस को गाय की ताजा दूध में रगड़कर पेस्ट बना ले और स्नान से 2 घंटा पहले
इन्हें बालों में लगा दे। 2 घंटे बाद गुनगुने पानी से नहा लेना, बाल झड़ना बंद हो जाएगी। अद्भुत है, कभी खाली नहीं गया। तुलसी के पत्ते और हरे आंवले को पीसकर उसे सिर में लगा लीजिए और सर को जल से धो दीजिए। जड़ें मजबूत होगी, बाल काले होंगे, चिकने होंगे और बालों की सुंदरता भी बढ़ेगी और बालों संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। ये नुस्खे आपको बहुत लाभ देंगे। ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, राशिफल और अंकों का राशिफल www.shanidam.in पे मिल जाएगा। और बात करते हैं आज के उपाय की। यदि किराएदार आपका घर खाली नहीं कर रहे हैं, यदि किराएदार आपका मकान खाली नहीं कर रहा हो और किराया देने में परेशान कर रहा हो, आपने प्रेम से उसको मकान दिया और उसका भी मालिक बन के बैठ रहा हो, तो किसी भी शनिवार दिन ये प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार दिन भोज पत्र ले आए, उस पर चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसे आपने अपना मकान किराए पर दे, तत्पश्चात उस भोज पत्र को मोड़ कर किसी शहद की शीशी में डुबो दे और यह शीशी अपनी पूजा घर में रख दे। जिस शनिवार को अमावस्या हो उस दिन ये प्रयोग किया जाए तो रामबाण कुछ ही दिन हम देखिए समस्या हल हुई नजर आएगी। वो व्यक्ति स्वतः ही मन बनाएगा जाने का। ये अद्भुत टोटका है, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अद्भुत है। नमो नारायण। जो जानत है सो देत जनाई, जो जानता है वही आपको जनाता है। जिसने अनुभव किया हो वही आपको अनुभव करा सकता है। देखिए, जो आदमी भीतर नहीं गया हो, भीतर के उस आनंद को नहीं चखा हो, उसके लिए ये बात व्यर्थ की है। मैं जिस ज्ञान की चर्चा हमेशा आप लोग के सामने कहता हूं वो सदगुरु परंपरा का मार्ग है। और सतगुरु परंपरा यह कहती कि जो जानता है वही जना सकता है। ज्ञान को जानने के लिए उस जानकार व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसका भीतर का दीपक जला हुआ है। एक शिकारी जंगल में भटक गया, 3 दिन हो गए भूखे प्यासे जंगल में घूमते घूमते, रास्ता नहीं मिला। 3रे दिन एक दूसरा शिकारी दिखाई पड़ा तो फूले नहीं समाया कि मेरा साथी मिलेगा, अब रास्ता मिल जाएगा। दूसरे ने कहा भी मुझे 7 दिन हो गए जंगल में, मैं खुद भटक रहा हूं, मुझे रास्ता नहीं मिला। इस संसार एक जंगल है और इस संसार के जंगल में हम जीव भटक रहे हैं, कोई आज कोई कल कोई परसों, पर रास्ता ढूंढने में असक्षम है। रास्ता कब मिलेगा? जो जंगल के रास्तों से जानकार रखता हो। ऐसे ही जब तक वही खोए व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है। गुरु इस संसार से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। संसार एक जंगल है और गुरु एक ऐसा पथ प्रदर्शक है, ऐसा राह दिखाने वाले कि वो जीते जी आपको स्वयं को इस संसार में रहते हुए इस संसार से कैसे बाहर निकला जाए, या संसार में रहते हुए इस संसार का कैसे आनंद ले और संसार में लिपायमान नहीं रहे और इस जीवन को खुशियों से भर दे, वो राह दिखाता है सदगुरु। सदगुरु एक ऐसा है जो संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहने का रास्ता दिखाता है। छोटी सी बात है खाली, लेकिन इसको दिमाग में रखना कि क्या आप संसार में रहते हुए अपने आप को जानना चाहते हैं? क्या आप संसार में रहते हुए बिना मानसिक तनाव जीना चाहते हैं? क्या आप संसार में रहते हुए बिना डिप्रेशन के जीना चाहते हैं? क्या आप संसार में रहते हुए अपने साथ मिलना चाहते हैं? तो सदगुरु का मार्ग अपनाइए, वो आपको राह दिखाएगा इस संसार से मुक्त होने की। नमूना रहे। और बात करते टिप ऑफ द डे की। आज मंगलवार का दिन है, व्यावसायिक परेशानियां और कैरियर संबंधी कष्टों के निवारण के लिए प्रातकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नानों उपरांत अपने इष्ट देवता के श्री चरणों में एक लाल फूल अर्पित करें। तत्पश्चात भोजन से पूर्व शहद का सेवन करें। पूरा दिन मंगलमय और आनंद से बीतेगा। ये अद्भुत टिप है, इसको अपना कर देखिए, आपको लाभ मिल जाएगा। नमोनारायण। आज इतना ही, कल कारोबार में सफलता के लिए क्या उपाय ये बताऊंगा। यदि आपका काम में मन नहीं लग रहा है ये भी बताऊंगा, साथ ही दुकान की बिक्री नहीं बढ़ रही है इसका भी टोटका बताऊंगा और कुछ नुस्खे और गुरु मंत्र की चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।